हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइसोथर्म्स के लिए एक्सेल शीट कैलकुलेशन, कौन कौन से फार्मूलाज हैं जो हमने लगाने होते हैं, वो कैलकुलेशन कैसे की जाती है, सी इनिशियल क्या है, सी ई कैसे कैलकुलेट करना है, सी एडसॉर्प्शन क्या होता है। इसके अलावा डिफरेंट ग्राफ्स जो हैं उसकी कैलकुलेशन के लिए ये शीट बहुत इम्पोर्टेंट है। आइसोथर्म्स जो हमारे पास लैंगमर है, फ्रेंडलिक है, डीआर है, इसके अलावा डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ आइसोथर्म मॉडल्स हैं, उनके लिए ये शीट कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके वो ग्राफ प्लॉट नहीं होंगे। तो एडसॉर्प्शन ऑफ डाइज या मेटल लाइन, आप इसको एडसॉर्प्शन ऑफ डाइज के केस में भी यही एक्सेल शीट बना सकते हैं। डाई डिग्रेडेशन विद द हेल्प ऑफ एनी फोटोकैटालिटिक मेथड, आप उसके लिए भी यही शीट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सिंपल यूवी या गैमा लाइट की मौजूदगी में किया है, या कोई फोटो कैटलिस्ट यूज़ किया है, या बायोजॉर्बेंट यूज़ किया है, डिग्रेडेशन करवाई है या एडजॉर्प्शन करवाई है, चाहे वो मेटल लाइन की हो या डाई की, उसके लिए यही सारी प्लेलिस्ट आपके लिए एप्लीकेबल होगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो सिर्फ डाई को ही डिस्कस कर रही हूँ, या मेटल लाइन्स के लिए भी सारा यही केस होगा। इसके अलावा एडसॉर्प्शन के प्रोसेस के लिए भी यही सारी प्लेलिस्ट एप्लीकेबल है, और डाई डिग्रेडेशन या मेटल डिग्रेडेशन के लिए भी यही प्लेलिस्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। और अगर आपने ये प्लेलिस्ट वन टू आल, सारी इसके पार्ट वन टू आल देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं, तो होप्स हो कि आपकी रिसर्च प्रोजेक्ट में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली। लेकिन अगर आपके माइंड में फिर भी कोई बात आपको कंफ्यूज कर रही है या समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में उसको डिस्कस या इम्प्रूव कर लेंगे। तो इससे पिछली वीडियो, पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था सीई डिटर्मिनेशन कैसे की जाती है, सारे ऑपरेशनल पैरामीटर्स को हमने देखा कि उसके ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, कंसंट्रेशन और इनिशियल एब्जॉर्बेंस का। उसके बाद हमने स्लोप की वैल्यू को यूज़ करके फाइनल एब्जॉर्बेंस पे डिवाइड किया और सी ई डिटरमाइन किया। अब उसी सी ई को यूज़ करके हमने ये आइसोथर्म्स वाली शीट करनी है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतना देखेंगे कि ये सारी जो आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, ये टेबल कैसे बनाना है, ठीक है। इससे नेक्स्ट पार्ट जो आइसोथर्म्स का होगा, उसमें हम इंडिविजुअली हर आइसोथर्म मॉडल को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लैंगमेयर के केस में लैंगमेयर ग्राफ कैसे बनाना है, लैंगमेयर आइसोथर्म क्या है, उसके पोस्टुलेट क्या है, पहले उसको हम थ्रेटिकली देखेंगे, फिर उसको हम कैलकुलेशन करेंगे उसकी, उसके जो कांस्टेंट है क्यू है, बी है, इस तरह की जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। फिर इसी तरह हम बाकी मॉडल्स, फ्रेंडलिक मॉडल, डीआर मॉडल या बाकी जो मॉडल्स हैं, उनकी कैलकुलेशन भी वन बाय वन उसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है और आपको अगर फिर भी माइंड में कोई बात आपके रह गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं, हम इंशाल्लाह ताला उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपने ये पैरामीटर्स लिखने होते हैं, रिएक्शन की जो कंडीशंस हैं आपकी, कितने टाइम में कितनी डोज यूज़ की है, क्या एडसॉर्बेंट अमाउंट थी, वो सारी की सारी पीएच ऑप्टिमम, ये जो कंडीशंस आपने रिएक्शन के दौरान लगाई हैं वो आपने लिखनी है। और आपको एक बात यहाँ पे मैं और कंफर्म कर दूँ कि आपका जो डाई कंसंट्रेशन वाला एक्सपेरिमेंट था, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डाई कंसंट्रेशन, उस बेस पे हमने आइसोथर्म स्टडी करनी है। कंसंट्रेशन वाला जो डाटा होता है उसको यूज़ करके हम आइसोथर्म स्टडी करते हैं, और जो कॉन्टैक्ट टाइम वाला एक्सपेरिमेंट होता है उसका जो सारा डाटा होता है उसको यूज़ करके हम काइनेटिक स्टडी करते हैं। और इसके अलावा जो टेम्परेचर वाला पैरामीटर है उसको यूज़ करके हम थर्मोडायनेमिक स्टडी यूज़ करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे उसकी कैलकुलेशन। जो पीएच वाला पैरामीटर है उससे जस्ट पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज कैलकुलेशन होता है, ठीक है। एड्सॉर्बेंट डोज से आगे हम फर्दर कैलकुलेशन नहीं करते, उसका कोई मॉडल अप्लाई नहीं होता, वो जस्ट एड्सॉर्बेंट डोज का अपना ही एक ग्राफ होता है, परसेंटेज रिमूवल के और एड्सॉर्बेंट डोज के दरमियान, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो डाई कंसंट्रेशन का एक्सपेरिमेंट आपने किया था उसकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी। डाई कंसंट्रेशन के केस में आपकी जो रिएक्शन कंडीशंस थी, आप पहले उनको मेंशन करें, उसके बाद आप यहाँ पे इस तरह का ग्राफ बनाएं जिसमें पहला कॉलम आपके पास है इनिशियल कंसंट्रेशन, जो कि पीपीएम या मिलीग्राम पर लीटर के फॉर्म में है, उसका यूनिट
आप यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन लिखें कितनी है, 5 to 100 ppm हमने लास्ट टाइम देखी थी, जिसमें हमारे पास ये इनिशियल कंसंट्रेशन के केस में हमने पैरामीटर जो स्टडी किया था उसमें हमने कितनी एडसॉर्बेंट कंसंट्रेशन निकाली थी, 5 to 100 तक वेरी की थी। यही आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन किस यूनिट में थी, ppm पार्ट्स पर मिलियन या मिलीग्राम पर लीटर की फॉर्म में। आपने इसी सारी वैल्यूज़ को पहले कॉलम में पुट कर देना है, इनिशियल कंसंट्रेशन ppm या मिलीग्राम पर लीटर के केस में, ठीक हो गया। नेक्स्ट कॉलम आप बनाएंगे इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि मोल पर लीटर में है, ये है, ये भी इनिशियल कंसंट्रेशन ही लेकिन यूनिट चेंज है। स्टार्ट का जो यूनिट था वो ppm मिलीग्राम पर लीटर था, अब आप मिलीग्राम पर लीटर या ppm को चेंज कर रहे हैं मोल पर लीटर में, ठीक हो गया। अब इसको इसमें चेंज कैसे करना है उसका फार्मूला अगर मैं इसकी पहली वैल्यू के ऊपर रखूँ तो आपको फार्मूला बार ऊपर शो हो रही है, A13 ÷ 1000 ÷ 407.79 979। मिलीग्राम पर लीटर या ppm के यूनिट को आप चेंज करेंगे मोल पर लीटर के यूनिट में, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो पहला आपका मिलीग्राम पर लीटर वाला डिजिट होगा जो आपकी कंसंट्रेशन है, आपने उसको 1000 पे डिवाइड करना है, क्योंकि हम पर लीटर की फॉर्म में स्टडी करना चाह रहे हैं, उसको उसका यूनिट चेंज करना चाह रहे हैं लीटर में, तो लीटर के लिए हमारे पास जो है उसके 1000 पे डिवाइड करना होगा, क्योंकि 1000 ml इज इक्वल टू 1 L, तो उसके लिए हम 1000 पे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे 407.979। इस केस में ये क्या है, ये हमारे पास क्योंकि ये जो एक्सेल शीट है वो एक रफ स्केच की फॉर्म में बनाई गई है, जिसमें इस एक्सेल शीट के लिए जो डाई सिलेक्ट किया गया है वो क्रिस्टल वायलेट डाई है। अब क्रिस्टल वायलेट डाई का मोलिकुलर वेट 407.979 होता है, और यही मोलिकुलर वेट यहाँ पे लिखा है। आपका जो सिलेक्टेड डाई होगा कॉन्गो रेड है फॉर एग्जांपल, तो कॉन्गो रेड का जो मोलिकुलर वेट है आप यहाँ पे वो लिखोगे। अगर आप मिथाइलिन ब्लू पे काम कर रहे हो तो आप मिथाइलिन ब्लू का मोलिकुलर वेट यहाँ पे लिखोगे। अगर आप किसी मेटल आयन पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जिंक है, निकल है, कॉपर है, एलुमिनियम है, तो आप उस मेटल आयन का मोलिकुलर वेट यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक हो गया। तो बात दरअसल ये है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि मिलीग्राम पर लीटर में है आपने इसको चेंज करना है मोल पर लीटर में, और उस मोल पर लीटर में करने के लिए आप जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको 1000 पे डिवाइड करोगे, उसका जो आंसर आएगा आप उसको अगेन डिवाइड करोगे मोलिकुलर वेट ऑफ योर सिलेक्टेड एडसोर्बेट, आइदर इट इज़ अ डाई मोलिक्यूल और अ मेटल आयन, ठीक हो गया। और ये दोनों कॉलम आपके इस तरह क्लियर हो गए कि आपने यहाँ पे ppm या मिलीग्राम पर लीटर का फॉर्म, उस फॉर्म में इनिशियल कंसंट्रेशन लिखनी है, जबकि दूसरे कॉलम में आपने उसका यूनिट चेंज करना है इनिशियल कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर में। थर्ड कॉलम में आपको CEPPM नजर आ रहा है, ये CEPPM का फार्मूला बार में आपको कोई ग्राफ कोई फार्मूला शो नहीं हो रहा, तो ये CEPPM वो है जिसको हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट किया था हर पैरामीटर के केस में, CE डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो अगर आप लास्ट वीडियोस अगर आपने देखी है तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि CE क्या है, अगर नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डाई कंसंट्रेशन के केस में हमने यहाँ पे CE कैसे कैलकुलेट किया था, डाई कंसंट्रेशन और इनिशियल एब्जॉर्बेंस को डिवाइड किया था, इसकी जो स्लोप की वैल्यू आई थी उसके साथ AF को डिवाइड करके ये CE आया था हमारे पास। ये सारा CE का कॉलम हम यहाँ पे पुट करेंगे CEPPM के केस में। इस CEPPM का जो यूनिट है, इस CE का जो यूनिट है वो ppm है या मिलीग्राम पर लीटर है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी इसकी CE डिटर्मिनेशन वाली, तो आई एम रिकमेंडिंग कि आप उस वीडियो को क्लास में देख लें, ताकि आपको CE डिटर्मिन करने का फार्मूला और उसका पूरा प्रोसीजर पता चल जाए। उसके बाद हमने CEPPM कैलकुलेट जब कर लिया, उसकी वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और ये कौन सा CE होगा जो कि डाई कंसंट्रेशन के केस में यूज़ किया है। मैंने पहले भी जैसे बताया कि डाई कंसंट्रेशन का ये जो पूरा डाटा है ये आपका आइसोथर्म शीट में यूज़ होगा,
जबकि कॉन्टैक्ट टाइम वाला डाटा काइनेटिक शीट में यूज़ होना है और टेम्परेचर वाला डाटा थर्मोडाइनमिक शीट में यूज़ होना है। पीएच से हम जस्ट पॉइंट ऑफ जीरो चार्ज कैलकुलेट करेंगे और एड्सॉर्बेंट डोज का डाटा कहीं यूज़ नहीं होगा, कहीं यूज़ ना होने का मतलब ये है उसकी आगे कोई मॉडल या एक्सेल शीट नहीं बनेगी, वैसे उसका ग्राफ बनना है। ठीक है, CEPPM आपने यहाँ पुट करने के बाद इसी PPM के यूनिट को मोल पर लीटर में चेंज करना है, जो कि अगला कॉलम है। इसका भी फार्मूला यही है कि CE को चेंज करना है PPM से मोल पर लीटर में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो CE है जो कि C कॉलम में है, ये देखें C कॉलम और इसका 13 रो, आपने इस CEPPM को डिवाइड करना है 1000 के साथ और फिर जो उसका आंसर आएगा उसको मोलिकुलर वेट ऑफ योर सिलेक्टेड एड्सॉर्बेट के साथ डिवाइड कर देना है। अब एड्सॉर्बेट क्या है, एड्सॉर्बेंट क्या है, इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, इसकी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन एड्सॉर्प्शन वाली वीडियो में बताई हुई है कि एड्सॉर्प्शन क्या है और एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्बेट ये सारी उसकी जो डिफरेंट टर्म्स हैं, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है एड्सॉर्प्शन के नाम से इसी प्लेलिस्ट में, काइंडली आप उसको चेक कर लें। CEPPM हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है मोल पर लीटर में, 1000 से डिवाइड किया था CEPPM की वैल्यू को और उसके बाद जो उसका आंसर आया उसको मॉलिक्यूलर वेट एड्सॉर्बेट के साथ डिवाइड किया, तो वो PPM का यूनिट कन्वर्ट हो गया मोल पर लीटर में। उसके बाद हमने नेचुरल लॉग लेना है CE का। देखें एक बात, एक और चीज़ माइंड में आप माइंड में रखें कि जो एक एक्सेल शीट होती है ना, उसमें आपको बहुत केयरफुली सारा काम करना होता है, क्योंकि कहीं पे नेचुरल लॉग आता है और कहीं पे सिंपल लॉग आता है LOG वाला। तो जहाँ पे नेचुरल लॉग है आपने वहाँ नेचुरल लॉग ही लेना है। शिफ्ट और लॉग प्रेस करेंगे तो नेचुरल लॉग, शिफ्ट प्लस लॉग और उसके बाद वैल्यू पुट कर दें तो वो आपका नेचुरल लॉग होगा। ठीक हो गया, कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप इसमें फार्मूला पुट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आ जाता है फार्मूला, कैसे पुट किया जाता है, कैसे इसकी सारी कैलकुलेशन की जाती है, एक्सेल शीट कैसे यूज़ की जाती है, उसकी वीडियो इंशाल्लाह ताला जल्द अपलोड कर दूंगी, काइंडली आप उसको चेक कर लीजिएगा। नेचुरल लॉग CE क्या होगा, ये जो आपके पास D कॉलम आया है ये वाला, इसमें आपके पास जो मोल पर लीटर वाला CE है आपने इसका नेचुरल लॉग लेना है। ठीक है, इसका नेचुरल लॉग आप लेंगे और वो यहाँ पे फार्मूला बार में भी आपको नेचुरल लॉग D13 शो हो रहा है। इट्स मीन कि आपने ये CE मोल पर लीटर का नेचुरल लॉग लेना है, इन पिछली वैल्यूज़ का नेचुरल लॉग नहीं लेना। ओके, यहाँ तक आपके पास टोटल 5 कॉलम कंप्लीट हो चुके हैं। उसके आगे हम चलें तो अमाउंट, अमाउंट का एब्रीविएशन AMT लिखा हुआ है, ये अमाउंट एड्सॉर्ब्ड है। अमाउंट जो एड्सॉर्ब हुई है उसका फार्मूला या उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास जो सिंबल होता है डेट इज़ सी एड्सॉर्प्शन, यानी कि कितनी अमाउंट, कितनी कंसंट्रेशन एड्सॉर्ब हुई है, सी एड्सॉर्ब इट इज़ इक्वल टू सी नॉट माइनस CE, और वो किस यूनिट में होना चाहिए, मोल पर लीटर। तो यहाँ पे आपने कैसे इसको करना है, इसका जो एक्चुअल में फार्मूला होता है सी एड्सॉर्प्शन का, वो होता है सी नॉट माइनस CE मल्टीप्लाई बाई वी ओवर एम। लेकिन वी ओवर एम को हम अगले कॉलम में डिस्कस करेंगे, अभी हम सी नॉट माइनस CE वाला करते हैं। सी नॉट माइनस CE क्या है, सी नॉट फॉर इनिशियल एब्जॉर्ब इनिशियल कंसनट्रेशन, CE फॉर इक्विलिब्रियम कंसनट्रेशन, और यहाँ पे आपको अगर यूनिट देखें तो मोल पर लीटर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपके पास इनिशियल कंसनट्रेशन थी जो कि बी कॉलम में है और उसका यूनिट मोल पर लीटर में है। आपने PPM वाली इनिशियल कंसनट्रेशन नहीं लेनी, मोल पर लीटर वाली लेनी है। इस बी कॉलम में से आपने माइनस करना है किसको, CE को, जो कि मोल पर लीटर में होनी चाहिए, और ये CE D वाला जो कॉलम है इसमें CE मोल पर लीटर में ही है। कहने का मतलब ये हुआ आपने बी कॉलम में से डी कॉलम को माइनस कर देना है तो वो आपके पास सी एड्सॉर्प्शन आ जाएगी, जैसा कि फार्मूला बार में भी आप ऊपर देख सकते हैं। और यूनिट दोनों का क्या है, मोल पर लीटर, इनिशियल कंसंट्रेशन का भी मोल पर लीटर और CE का भी मोल पर लीटर। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास F कॉलम में जो आंसर आया है आप इस फार्मूला के अकॉर्डिंग
इसको वी बाय एम करेंगे। वी बाय एम का मतलब ये है वॉल्यूम टेकन डिवाइडेड बाय मास यूज्ड, ठीक है। अब आपने जो वॉल्यूम लिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने हर वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि हमने टोटल 10 ml वॉल्यूम यूज़ किया था हर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन में। वो जो 10 ml है वो आपका वॉल्यूम है, ठीक है, और वो वॉल्यूम मिलीलीटर में है। हमने मिलीलीटर को चेंज करना है लीटर में, तो हम क्या करेंगे, 10 / 1000 करेंगे, ठीक हो गया। 10 / 1000 करने से क्या होगा, मिलीलीटर वाला जो फैक्टर है वो चेंज हो जाएगा लीटर में, ठीक हो गया। 10 / 1000 ये वी है, उसको डिवाइड करना है एम से। एम इज़ द मास ऑफ योर एड्सोर्बेंट या कैटलिस्ट। एड्सोर्बेंट कौन सा है जो आपने यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑप्टिमम यूज़ किया था 0.4 ग्राम, 0.3 ग्राम, जितना भी आपने यूज़ किया है 0.5 ग्राम है, वो आपने यहाँ पे एम की वैल्यू लिखनी है। आई एम रिपीटिंग, वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन टेकन फॉर द एक्सपेरिमेंट। अगर आपने 40 ml यूज़ किया है तो आप 40/1000 करें। अगर आपने 60 ml यूज़ किया था रिएक्शन रन करवाने के लिए डाई कंसंट्रेशन का, तो आप 60/1000 करें। अगर 20 ml यूज़ किया है तो 20/1000 करें। 1000 से क्यों डिवाइड करना है, बिकॉज वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ ml इनटू लीटर, यानी कि मिलीलीटर को हमने लीटर में कन्वर्ट करना है। तो वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया जितना आपने लिया 1000 से, उसको डिवाइड कर दिया मास ऑफ योर एड्सोर्बेंट, ठीक है, आइदर इज़ अ कैटलिस्ट और इट इज़ अ बायोमास। उसका जो आंसर आएगा वो आपके पास V बाई एम हो गया, ठीक है। तो V बाई एम इस केस में 0.025 ग्राम आया। अब आपने इस V बाई एम को इस सी नॉट माइनस सी ई की जो वैल्यू है उसके साथ सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। आप इस तरह उसको एक दफ़ा निकाल के मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या हर कॉलम में आप उसको अलग से V की वैल्यू अलग और M की वैल्यू अलग करके भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन सा तरीका सूटेबल करता है, ठीक है। उसके बाद सी नॉट माइनस सी ई का जो आंसर आया था उसको वी बाई एम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपके पास ये कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। इसका यूनिट मोल पर ग्राम है, यूनिट माइंड में रखते जाएं, और इसको आपने लिखना भी है यूनिट को, ठीक हो गया। ये आपके सामने कंप्लीट एक्सेल शीट की कैलकुलेशन गिवन है और आप ये रफ फॉर्म में है, आप इसको कॉपी ना कीजिएगा। नेक्स्ट पे चलें तो यहाँ पे हमने मोल पर ग्राम में यूनिट में हमने सी एड्सॉर्प्शन की वैल्यू को लिख देना है। दूसरी चीज़ इसमें आप एक माइंड में ये रखें, यहाँ पे आपको वैल्यूज में ई नज़र आ रहा होगा, ये ई हमारे पास पावर है। जैसे हम 10^2, 3, 4 इस तरह लिखते हैं, तो यहाँ पे एक्सेल शीट में यहाँ पे 10 नहीं लिखा जाता बल्कि ई की पावर लिखी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ई -07 है, तो इसका मतलब ये 10^-07 है। तो यहाँ पे ई का मतलब बेस 10 होगी और बाकी उसकी जो है वो पावर है। यहाँ तक आपके जी कॉलम कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पे एच कॉलम की तरफ आएँ तो उसमें लॉग सी ई है। अब यहाँ पे ये बात आपको क्लियर करने की ज़रूरत थी कि ये लॉग एल ओ जी वाला है जबकि ये नेचुरल लॉग था। यहाँ पे आपने नेचुरल लॉग लेना है, शिफ्ट प्लस लॉग और आगे उसकी वैल्यू, वो आपके पास नेचुरल लॉग आएगा। ये सिंपल लॉग है, इसमें आपने जस्ट लॉग और उसकी वैल्यू को आगे पुट करना है। लॉग किसका लेंगे हम, सी ई का, और वो सी ई किस में होनी चाहिए हमारे पास, वो मोल पर लीटर में है। ये जो डी कॉलम है सी ई मोल पर लीटर, हमने इसका सिंपल लॉग ले लेना है लॉग सी ई में। उसके बाद अगला कॉलम जो होगा उसमें हम सी एड्सॉर्प्शन का लॉग लेंगे। सी एड्सॉर्प्शन हमारे पास ये वाला है जी कॉलम, जिसमें हमने सी नॉट माइनस सी ई मल्टीप्लाई बाई वी डिवाइडेड बाई एम का जो आंसर आया था हमने इसका लॉग लेना है। वो लॉग लेके हमारे पास आई कॉलम लॉग सी एड्सॉर्प्शन वाला कंप्लीट हो जाएगा। उससे नेक्स्ट चलें तो सी ई डिवाइडेड बाई सी एड्सॉर्प्शन। अब हमने क्या करना है कि जो सी ई है, जो हमारे पास सी ई ये वाला था डी कॉलम मोल पर लीटर में, हम इसको डिवाइड करेंगे सी एड्सॉर्प्शन की वैल्यू से। सी एड्सॉर्प्शन की वैल्यू हमारे पास सिंपल ये वाली आई है। कहने का मतलब ये कि आपने डी कॉलम जो कि सी ई मोल पर लीटर है, आपने इसको डिवाइड करना है सी एड्सॉर्प्शन वाले कॉलम से जो कि जी कॉलम है।
ठीक है, और इसका जो यूनिट आएगा वो ग्राम पर लीटर होगा। फार्मूला पार में भी आप देख सकते हैं डी कॉलम जो कि सी ई मोल पर लीटर है, इसको डिवाइड किया गया है जी कॉलम के साथ, और जी कॉलम ये है सी एडसॉर्प्शन इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी ई मल्टीप्लाई बाय वी बाय एम। इस सारी वैल्यू से आपने इसको डिवाइड करना है, तो आपके पास ये वाला कॉलम कंप्लीट हो जाएगा और इसका यूनिट ग्राम पर लीटर आएगा। उससे नेक्स्ट वीडियो में सॉरी उससे नेक्स्ट कॉलम में आपने करना है नेचुरल लॉग सी एडसॉर्प्शन। पहले आपने सिंपल लॉग लिया है सी एडसॉर्प्शन का, अब आपने नेचुरल लॉग लेना है सी एडसॉर्प्शन। वही अगेन ये जो आपके पास जी वाला कॉलम है जिसमें आपने कंप्लीट सी एडसॉर्प्शन की है कैलकुलेशन, आपने इसका नेचुरल लॉग लेना है। पहले आपने सिंपल लॉग लिया है इसमें, अब आप उसका नेचुरल लॉग ले लोगे। तो यहाँ तक आपके के कॉलम कंप्लीट हो गए, हाफ से ज़्यादा आपकी ये जो शीट है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो थोड़ी बहुत रह गई है उसको करने के बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में हर आइसोथर्म मॉडल का जो ग्राफ है उसको प्लॉट करेंगे, उसकी हर कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और इंशाल्लाह ताला स्टे ट्यून्ड विद यंग रिसर्चर्स, हम इंशाल्लाह ताला पूरी एक्सेल शीट पूरी रिसर्च प्रोजेक्ट में जो यूज़ होती हैं हम हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे, थीसिस को डिस्कस करेंगे, आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि काइंडली वीडियो को एंड तक पूरा देखा करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, ताकि जो स्टूडेंट्स जिनको कन्फ्यूजन होती है, जो रिसर्च को एक बहुत ही रॉकेट साइंस समझते हैं, काइंडली उनके लिए ये आसानी हो जाए कि उनको एक कंप्लीट ट्यूटोरियल और कंप्लीट गाइडेंस मिल जाए। ठीक हो गया, सदका जारी समझ के इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दिया करें। उससे नेक्स्ट चलें तो हमारे पास नेचुरल लॉग सी एडसॉर्प्शन लेने के बाद अगला जो कॉलम है उसमें वन प्लस वन डिवाइडेड बाई सी ई है। इसमें जस्ट आपने सी ई की वैल्यू पुट करनी है, उसको वन पे डिवाइड करना है और उसमें वन ऐड कर देना है। वो सी ई की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए वो आप फार्मूला बार में देख सकते हैं, डी कॉलम वाली। डी कॉलम में सी ई कौन सा था जिसमें हमारे पास सी ई का यूनिट मोल पर लीटर था, तो आपने इस सी ई की वैल्यू को वन पे डिवाइड करना है, ठीक है, और उसके बाद उसका जो आंसर आएगा उसमें वन ऐड कर देना है, वो आपके पास ये एल कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। एम कॉलम में क्या है, जो आपके पास ये आंसर आया है वन प्लस वन डिवाइडेड बाय सी ई, इस आंसर का आपने ले लेना है जी नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग लेंगे हमने किसका, नेचुरल लॉग लेना है एल थर्टीन का, यानी कि इस कॉलम की जितनी वैल्यूज हैं उन सबका आपने नेचुरल लॉग ले लेना है, वो आपके पास एम कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। उससे नेक्स्ट चलें तो हमारे पास अगला एप्सिलॉन नॉट का जो फार्मूला है वो है आर टी नेचुरल लॉग वन प्लस वन डिवाइडेड बाई सी ई। अब देखें वन प्लस वन डिवाइडेड बाई सी ई हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, फिर उससे बाहर है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन डिवाइडेड बाय सी ई वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। नेचुरल लॉग वन प्लस वन डिवाइडेड बाय सी ई यानी कि हमारे पास ये सारी वैल्यू का आंसर आ चुका है, रहती क्या है आर और टी। अब आर क्या है, आर इज़ आइडियल गैस कॉन्स्टेंट, जो जो जनरल गैस कॉन्स्टेंट होता है उसकी वैल्यू आपको पता होगी 8.314 मल्टीप्लाई बाई 10^-3, ये आर की वैल्यू होती है जो कि ऊपर मेंशन यहाँ पे की गई है। टी इज़ द टेम्परेचर एट विच योर एक्सपेरिमेंट इज़ कैरिड आउट, जिस टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हो, आपका रिएक्शन किस टेम्परेचर पे लगा है, उस टाइम का रूम टेम्परेचर जो है इट इज़ योर टी वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जब आपने रिएक्शन लगाया उस टाइम रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था तो आप 25 पुट करोगे, अगर 20 था तो 20 पुट करोगे, 30 टेम्परेचर था 30 पुट करोगे, और ये डिग्री सेल्सियस में होगा ये टेम्परेचर, ठीक है। आर इज़ जनरल गैस कॉन्स्टेंट, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे रूम टेम्परेचर के साथ और उसका जो आंसर आएगा उसको ये नेचुरल लॉग वाला ये जो आंसर आया है एम कॉलम में आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मीन्स टू से कि आर और टी को आप ऊपर एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लो, ये आंसर आ गया, उस आंसर को आप एम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते तो आपके पास सिर्फ साइलेंट का आंसर आ गया, ये पूरा कॉलम एन कॉलम आपके पास कंप्लीट हो गया। अगला कॉलम है ओ कॉलम जिसमें एफ साइलेंट का स्केयर लेना है, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें ये जो पूरी वैल्यूज़ आई हैं आप इनका जस्ट स्केयर ले लो, फार्मूला बार में भी शो हो रहा है एन थर्टीन का स्केयर लेना है तो आपके पास एफ साइलेंट स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ तक आइसोथर्म की जो है हमारे पास कंप्लीट कैलकुलेशन हो चुकी है कि आइसोथर्म में हमने इसी तरह का एक टेबल बनाना है और ये सारी कैलकुलेशन आपने करनी है। होप सो कि आपको यहाँ पे पॉइंट सारे क्लियर हो चुके हैं कि आपने सारा टेबल कैसे बनाना है और इसकी कैलकुलेशन में कौन कौन से फार्मूलाज लगने हैं।
इससे अगली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इसी टेबल से लेके वैल्यू, हम डिफरेंट आइसोथर्म मॉडल्स के ग्राफ बनाएंगे लाइक लैंगमुइर आइसोथर्म मॉडल, फ्रेडरिक डीआर, और इसके बाद इसके अलावा और डिफरेंट आइसोथर्म मॉडल्स हम इंशाल्लाह ताला उनके ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, और उन ग्राफ से हमें क्या चीज़ पता चलती है, कौन सी कांस्टेंट वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उन ग्राफ से हम उन ग्राफ को ही क्यों बना रहे हैं, उन आइसोथर्म मॉडल्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, उसकी पहले थ्योरेटिकल हिस्ट्री भी देखेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, स्टे ट्यून्ड विद यंग रिसर्चर्स ताकि आपको आने वाली हर वीडियोस और हर इंफॉर्मेशन के बारे में अपडेट मिलती रहे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।